हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल वुमेन ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। और आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है, बहुत दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा है, प्लीज़ कंप्लीट कर दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए। तो मैंने सोचा कि चलिए आज मैं उस वीडियो को पूरा करती हूँ। तो मेरे पास ये जो वीडियो आया था, ये बहुत रिक्वेस्ट आया था कि मैं डबल बैंड करके बताऊँ अपने डबल चोटी, या फिर जैसे स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं तो डबल चोटी कैसे करते हैं, कितने सारे स्टाइल करने वाले हैं। तो ये चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जितना मुझे आता है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पास का बेल का आइकन है आप उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख सके। सो गाइस, चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपने दोनों साइड अपने बाल निकाल के और अच्छे से कंघी करके बालों को जो है सुलझा लेंगे नीचे तक, क्योंकि नीचे ही जाके हमारा जो बाल है चोटी करने में वो फंस जाता है। तो मैंने यहाँ पे अपने दोनों साइड करके और निकाल लिया। आप अब दो भागों में करके यहाँ पे बैंड लगा सकते हैं और आपके अकॉर्डिंग जैसे आप चाहें वो मांग निकाल सकते हैं, बीच से, साइड से, या फिर जिग जैग वाला भी। तो किसी भी तरह से करके आप इस तरह बांध सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा लगता है और सिंपल भी है। अब चलिए मैं दूसरा बताती हूँ। आप इस तरह करके आप ऐसे थोड़े से ऊपर पोनी करके आप इसे तीन भागों में बांट के और चोटी बना सकते हैं। और चोटी आप आधा चोटी बना के और एक बैंड लगा सकते हैं थोड़े से बाल खुले छोड़ के नीचे, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। चाहे तो आप पूरा चोटी करके उसे फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा लुक अच्छा चाहते हैं तो आधा चोटी करके छोड़ दें, वो मेरे छोटे बाल हैं जो आ जाते हैं बीच बीच में। तो यहाँ ये मैंने कर लिया अपने दोनों चोटी और आप देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। आप इतना इतना खुला छोड़ सकते हैं। और अब मैं बता रही हूँ आप लोगों को तीसरे तरीके से, आप इस तरह करके आप पॉप बना सकते हैं, जैसे आप ऊपर पॉप बनाते हैं और पॉप बना के उसके बाद आप पीछे से दो भागों में अपने बालों को बांट के और फिर वैसे ही चोटी बना लीजिए। चाहे आप खाली बैंड लगा सकते हैं। इस तरह से करके ये नया लुक है जो आजकल स्कूलों में जो लड़कियां जाती हैं वह इसी तरह से बांध के जाती हैं, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। आप चोटी कर लीजिए या फिर अगर रिबन लगाना चाहते हैं तो रिबन भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर है। और ये है मेरा लास्ट, जो आप साइड में पफ बना सकते हैं अगर आप आगे नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरह करके साइड में पफ बना के और पीछे से अपने बालों को जो है दो भागों में डिवाइड करके आप इस तरह बांध सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग, और जो भी रिक्वेस्ट है वो उसे भी हम पूरा करेंगे। गाइस, तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिनकी ये रिक्वेस्ट थी उनको कैसा लगा। इस तरह करके आप ढेर सारे तरह के बना सकते हैं, आप कोई इतनी ऊंची करके चोटी बांधता है, बहुत सारे आजकल तो ये बहुत कम हो गया है बांधना, क्योंकि हर कोई चाहता है, बच्चा भी चाहता है कि वो उसके बाल खुले रखे, लेकिन हम लोगों ने बांधा है ऐसे बाल जब हम स्कूल जाते थे। आज भी कुछ स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं, कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे दो चोटी अलाउ है तो वहां बांध के जाना पड़ता है, बाकी स्कूलों में ऐसा कुछ नहीं है। हम तो जब तक कॉलेज जाते थे तब तक हम बांध के जाते थे बाल, वैसे मेरे बाल तो हमेशा छोटे थे तो मुझे बांधना नहीं पड़ता, लेकिन जितने लोगों के थे लंबे बाल वो बांध के जाते थे। तो इसलिए मैंने इतने सारे बताए। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।